सर्वोच्च चमत्कार, विश्व का सर्वश्रेष्ठ कार्य, अनंत पुण्यों के द्वारा प्राप्त सौभाग्य, परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ आशीर्वाद, इन सब का अर्थ है गर्भ शिशु एवं माँ। हम समस्त ब्रह्मांड की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, क्योंकि आप माँ बनने वाली हैं। माँ, माँ शब्द सुनना एक नारी के जीवन का सर्वश्रेष्ठ सौभाग्य है। प्रत्येक माता पिता चाहते हैं कि उनकी संतान संस्कारी हो, बुद्धिमान हो और सर्व गुण संपन्न हो, और यदि माता पिता चाहें तो संतान में ये सब गुण हो भी सकते हैं, परंतु इसके लिए माता पिता को शिशु की गर्भावस्था से ही कठिन परिश्रम की आवश्यकता है। शिशु को गर्भ से ही संस्कारों का ज्ञान देना प्रारंभ करना है, इसे ही गर्भ संस्कार कहते हैं। गर्भ संस्कार अर्थात गर्भ में शिशु को माँ के द्वारा जीवन जीने की कला का प्रशिक्षण देना है, जो माँ के अंतर्मन से शिशु के अंतर्मन में स्थापित होता है। शिशु जो भी कुछ गर्भ में सीख लेता है, वही सब कुछ उस शिशु के जीवन में साकार होने लगता है। गर्भ संस्कार वह होते हैं जो शिशु के जगत में आगमन के उपरांत उसके साथ जीवन भर रहे। शिशु का स्वभाव बुद्धिमता, चित्त, आनंदमयता का प्रमाण, उसका सौभाग्य आदि गर्भ में ही निर्धारित हो जाता है। गर्भावस्था के समय अगर शिशु को अच्छी अच्छी बातें सिखाई जाएं, उससे अच्छी अच्छी कहानियां सुनाई जाएं, उसके साथ माता पिता बातें करें, तो ये सब सुसंस्कार होते हैं। वहीं इसके विपरीत अगर गर्भावस्था के समय माँ परेशान रहे, आसपास लड़ाई झगड़े का माहौल हो, माता की संगति अच्छी ना हो, वाणी में मधुरता ना हो, तो ये सब कुसंस्कारों के रूप में स्थापित हो जाते हैं। यह सब उस होने वाले शिशु की माँ पर निर्भर करता है कि वह अपने गर्भावस्था के 9 माह कैसे व्यतीत करती है। वह अपने बच्चे को सुसंस्कार देना चाहती है या फिर कुसंस्कार देना चाहती है। गर्भ संस्कार एक मानसिक एवं आध्यात्मिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा गर्भस्थ शिशु का भावी जीवन निर्धारित किया जा सकता है। गर्भ संस्कार में महत्वपूर्ण भूमिका माता पिता की होती है, उसके बाद परिवार के अन्य सदस्यों की, कि वे गर्भवती महिला के आसपास खुशनुमा माहौल बनाए रखें। इसमें डॉक्टर का होना कोई महत्वपूर्ण नहीं है। डॉक्टर का काम केवल गर्भवती माता एवं गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए स्वस्थ डिलीवरी करवाने तक का होता है। गर्भावस्था के 9 महीने में क्या क्या खाना चाहिए, कौन कौन सी दवाइयाँ लेनी चाहिए, शिशु का विकास कैसे होता है, डॉक्टर के पास कब कब जाना चाहिए, गर्भावस्था में क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, डिलीवरी कैसे होती है, योगासन कब कब और कौन कौन से करने चाहिए, शिशु के होने के बाद उसकी देखभाल कैसे की जाएगी, ये सब बातें गर्भावस्था में बहुत महत्वपूर्ण हैं, परंतु ये सब गर्भ संस्कार का हिस्सा नहीं है। वास्तव में तो गर्भाधान के बाद से ही गर्भ संस्कार की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। गर्भस्थ शिशु की हर सांस माँ की सांस से होती है। गर्भस्थ शिशु का हर एक निवाला माँ के निवाले से होता है। गर्भस्थ शिशु का हर एहसास माँ के एहसासों से जुड़ा होता है। अगर गर्भवती माता परेशान हैं, दुखी हैं, तो इन सब का शिशु के मानसिक विकास पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए गर्भवती माताओं से मेरा अनुरोध है कि वो बिल्कुल भी तनाव ना लें। अपने लिए नहीं तो अपने शिशु के भविष्य के बारे में सोचिए। अगर आपके आसपास खुशनुमा माहौल नहीं है, कुछ पारिवारिक तनाव है, तो प्लीज़ कुछ टाइम के लिए आप इन सब में जैसे भी हो एडजस्ट कीजिए। बिल्कुल भी तनाव ना लीजिए, आप अपना स्थान परिवर्तन कर लें। आप इस समय सिर्फ अपने शिशु के बारे में सोचिए, उससे महत्वपूर्ण इस समय कुछ भी नहीं है। उसे अच्छा माहौल दें, अच्छी अच्छी वीर वीरांगनाओं की कहानियाँ सुनाएं, योग करें, गर्भ संवाद करें,
गर्भ संवाद के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में मेरी वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण, आप अपने मन में ये बिल्कुल ना सोचें कि मुझे लड़का होगा या लड़की, या मुझे तो सिर्फ लड़का ही चाहिए, या बस मुझे तो सिर्फ लड़की ही चाहिए। नहीं, कोई भी हो, लड़का या लड़की, संतान आपकी है, आपको ही उस पर दुनिया भर का प्यार लुटाना है। तो बस आप अपना और अपने बच्चे का ध्यान रखिए, अपने आसपास खुशनुमा माहौल बनाए रखिए, आप बिल्कुल भी तनाव ना लें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने खाने पीने का ध्यान रखिए, हेल्दी खाइए और अपने गर्भावस्था के इस पीरियड को एंजॉय कीजिए। और नई नई वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहिए। नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।